नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा की यमुना नगर में किन्नर समाज का महासम्मेलन आज से शुरू हो गया, जिसका उद्घाटन हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने किया। इस सम्मेलन में देश व प्रदेश के सभी राज्यों से किन्नर समाज के महंत व सदस्य भाग ले रहे हैं। यमुना नगर के जगाधरी के सुखमनी पैलेस में आयोजित इस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने किया। गुर्जर का किन्नर समाज के महंत व सदस्यों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि यह वह समाज है जो हम सब की खुशी और खुशी लाते हैं। इस समाज के कार्यक्रम में आकर उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि समाज को भी इनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इनके लिए हर संभव योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि यह समाज बाकी समाज के गरीब लोगों को सुविधाएं देने का भी काम करता है। आदरणीय मंत्री जी आए हैं, इन्होंने आके मेरे और मंडवे की शोभा बढ़ाई, चार चांद लगाए। मैं बड़ी खुश है, बच्चों वाले के बच्चे जीते रहे, परमात्मा सबको राजी रहे, सबकी तरक्कियां होती रहे। ऐसा ही मेरा अपना किन्नर समाज जैसे बैठे जैसे करते हैं, हम जो मंत्री जी ने बोला वो सब कुछ करते हैं। मंत्री जी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं और जी हर तरह से मुझे जो बात है हर तरह से हमारे साथ रहे, बहुत जी बहुत थैंक यू। ऐसा है खुशी में आते हैं, मतलब ये आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपको खुश करने के लिए आते हैं और उसमें खुशी मनाते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रोग्राम में आके मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना ये समाज का ध्यान रखते हैं, तो मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, यमुनानगर में पहली बार ये? देखिए मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं हो सकता है यमुनानगर का पहले ही कार्यक्रम हो, कहीं और कार्यक्रम रहते होंगे पहले। क्या व्यवस्था है वो तो रेशमा जी जब आपसे बात करेंगी तो वो ज़्यादा विस्तार के साथ बताएंगी कि क्या तरीका होता है इस कार्यक्रम का, लेकिन ये बहुत अच्छे लोग हैं और हर खुशी में आपके घर आते हैं और आपकी खुशी को और चार चांद लगाने का काम करते हैं। सर, इस समाज की तरफ से, किन्नर समाज की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हमें एक तो ये कि भाई इनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, इनको बराबर मानना चाहिए, और वैसे तो सरकार के हिसाब से तो बराबर हैं, लेकिन समाज में भी इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूरा सम्मान को देना चाहिए। और आज तो अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी, राजनीतिक पोस्टों पे भी, अन्य पोस्टों पे भी, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे किन्नर समाज जो है पहुँच गया है और जहाँ भी है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर। और यहाँ भी मैं देखता हूँ इनको कि यहाँ भी, हाँ मैं कहना भूल गया था, यहाँ भी समाज में बहुत अच्छे काम करते हैं, गरीब लोगों की, मजबूर लोगों की मदद करते हैं ये, मतलब इसके भी ये काम करते हैं। सरकार की तरफ से भी इनको कोई किसी किस्म का? देखिए सरकार की तरफ से जो है वो छूट है इनको, जिस प्रकार से हैंडीकैप के लिए कोई छूट कर रखते हैं ना, तो उस प्रकार से इनके लिए भी एक कोटा है निश्चित, उस कोटे में इनको शामिल किया जाता है, जहाँ भी चाहे नौकरी की बात है चाहे दूसरी बात है उसमें इस प्रकार का एक फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी जाती है इनको। सर जनता को क्या इनकी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? जनता को तो मैं ही कहना चाहूँगा कि बराबरी का व्यवहार करना चाहिए और कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। थोड़ा समाज में इस प्रकार का रहता है जैसे एक अलग सही है कुछ, तो इस प्रकार का है नहीं, बिल्कुल हमारे समाज के अंग हैं और बिल्कुल हमारे बीच के हैं, और अगर हम नज़दीक आके देखेंगे तो ये बहुत अच्छे भी हैं, समाज की चिंता भी करते हैं। मुझे भी नहीं पता था इस बात का, मैं भी रेशमा जी के यहाँ गया तो मुझे पता चला, तो ये तो अच्छे अच्छे काम भी कराँ बहुत, और बच्चों की पढ़ाई के लिए, दूसरों के बच्चों की चिंता करते हैं पढ़ाई के लिए, तो हर जगह सपोर्ट करते हैं, गरीब आदमी की भी सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन समाज दूर रहता है इसलिए समाज को पता ही नहीं चलता कि ये अच्छे काम। सर, किन्नर समाज का आज बहुत बड़ा प्रोग्राम आपको बुलाया गया, आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं देख रहा कि बहुत ही अनुशासित लोग हैं, आप देख लो इतने लोग, अगर मेरे ख्याल के हमारे ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।